अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि अमन मणि त्रिपाठी जैसे अपराधी को निषाद पार्टी से नौतनवा विधानसभा से टिकट ना दिया जाए। भाजपा निषाद पार्टी को समर्थन दे रही है। मोदी जी मेरी अपील को सुनिए कि अमन मणि त्रिपाठी मेरी बेटी सारा सिंह का हत्यारा है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। अमन मणि त्रिपाठी ने मेरी बेटी की हत्या बड़ी निर्दयता से की है और रोड एक्सीडेंट दिखा दिया है। भाजपा ऐसी पार्टी से अमन मणि त्रिपाठी को टिकट न दिलवाए 2022 का, जिसने सारा सिंह की हत्या की है। और आपके शासन काल में मोदी जी, पता चला है, लोगों ने बताया है कि अमन मणि मेरी बेटी सारा सिंह के मर्डर केस में बरी हो जाएगा। अगर आपके शासन काल में मुझे न्याय नहीं मिलेगा, देश को न्याय नहीं मिलेगा, तो हम और देश क्या उम्मीद कर सकता है। आपने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरे देश की बेटी बहनों की रक्षा का दायित्व तो आप लोगों के ऊपर है, भाजपा के ऊपर है। भाजपा निषाद पार्टी से समर्थन न देकर अमन मणि त्रिपाठी को नौतनवा से टिकट न दे। धन्यवाद। मैं निधि शुक्ला, बहन मधुमिता शुक्ला, ये नाम आप सालों से सुन रहे हैं, सालों से इसलिए सुन रहे हैं कि इस सिस्टम से हम लड़ रहे हैं। एक हत्यारे के खिलाफ मेरी लड़ाई अनवरत जारी है और आज चुनाव का समय है, अपराधी सक्रिय हो गए हैं। अमर मणि त्रिपाठी का बेटा अमन मणि त्रिपाठी, जिसने अपनी पत्नी सारा सिंह की लोमहर्षक हत्या कर दी थी और उस पर सीबीआई केस भी चल रहा है, हालांकि वो पूरी तरीके से मैनेज करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है। सीमा सिंह जी लगातार पैरवी में लगी हुई हैं, कोशिश कर रही हैं एक बूढ़ी बुजुर्ग माँ अपनी बेटी के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ऐसे में माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि अमन मणि त्रिपाठी जैसे हत्यारे को कतई भाजपा में और निषाद पार्टी में कतई शामिल ना होने दें। मैंने निषाद पार्टी का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी को समर्थन दिया है और हालांकि बात हो चुकी थी, कई लोगों ने मुझे आश्वस्त भी किया था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, संजय जी निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, लेकिन मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि अमन मणि त्रिपाठी सीमा सिंह की माँ सारा सिंह को, और उसने मेरे पास भी ये मैसेज कहलवाया कि वो निषाद पार्टी के रास्ते भाजपा में एंट्री करेगा, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। मेरी प्रार्थना है कि निषाद पार्टी से कतई अमन मणि त्रिपाठी को टिकट न दिया जाए, क्योंकि ये वो अपराधी है जिसने अपनी पत्नी की लोमहर्षक हत्या की करी थी और मुझे विश्वास है कि अमन मणि त्रिपाठी को कोई भी पार्टी, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कतई टिकट नहीं देगी।